नमो नमः सुप्रभातम सर्वेभ्य। मैं योगेश कुमार सियोर सक्सेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। संस्कृत व्याकरण पढ़ाने से पहले मैं वाग देवी सरस्वती की वंदना कर लेते हैं हम सभी। शारदा शारदाम भोज वदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने श्वेतरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। हे छात्रों एवं मित्रों, आज मैं आप सभी को संस्कृत व्याकरण के विषय में आप लोगों को जानकारी दूंगा। इससे पहले गुरु एवं शिष्य में जो संबंध है उसको पहले हम लोग जान लें। गुरु एवं शिष्यों में संबंध यह है कि जैसे माता पिता में संबंध होते हैं वैसे ही है गुरु गुरु और शिष्य में संबंध होते हैं। जैसे माँ अपने संतान के लिए चिंता करती है वैसे ही गुरु भी अपने बच्चे के लिए चिंता करते हैं। आप यहाँ आज दिनांक है 17/3/2024। सबसे पहले हम संस्कृत संस्कृत व्याकरण के विषय में जानेंगे। संस्कृत है क्या? संस्कृत भाषा को हम क्यों पढ़े, किस लिए पढ़े, इसके विषय में पहले हम लोग जान लें। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे देवनागरी भी कहते हैं। इसी भाषा से सभी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हम उत्पत्ति हुई है। इसे उत्पत्ति हुई है। इसे हम भाषा की जननी भी कहते हैं। इसी भाषा से सभी भाषा का जन्म हुआ है। इस भाषा का जनक महाकवि कालिदास है। और ये संस्कृत भाषा में ही बहुत सारे संस्कृत भाषा में ही वेद वेद वेदांत मीमांसा इत्यादि प्रस्तुत मिलते हैं। इनका काल शताब्दियों में नहीं सहस्त्र शताब्दियों में गिना जाता।
व्याकरण व्याकरण जो है वेदांत का ही अंग है। व्याकरण को वेदांत का अंग कहा जाता है। वेदांत वेदों के अंग को ही कहते हैं वेदांत। वेदांत में वेदांत के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद। उन्हीं में से एक वेद पुरुष के अंग में व्याकरण को मुखम व्याकरणम अस्मृतम से जानते हैं। व्याकरण जो है वेद का मुख कहा जाता है। जैसे कि किसी भी प्राणी का पहचान हम मुख से करते हैं, उसे ही है वेद रूपी ज्ञान रूपी जो वेद है उसका ज्ञान करने के लिए पहले हम व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे तो उनको हम नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए व्याकरण का अध्ययन करना हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। व्याकरण की सर्वप्रथम व्याकरण की हम चर्चा करते हैं। व्याकरण है क्या? व्याकरण के परिभाषा होते हैं संस्कृत में, व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते शब्दान्विति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पादयन्ते शब्दा अर्णनेति व्याकरणम्। यथा राम पठति राधा लिखति लिखति तथा सोहना धावती आदि। यहाँ व्याकरण है। व्याकरण नए शब्द का निर्माण नहीं करता। व्याकरण नए शब्द को निर्माण नहीं कर वह शब्द को नियम में बांधता है। व्युत्पत्ति नहीं करता है, यानी कि वह शब्द बनाने की फैक्ट्री नहीं है। शब्द को नियम में बांधकर और उसको अनुशासित करकर हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। जैसे राम रामा पठति, रामा पठति में राम करता पठति राम रामा करता है, पठति क्रिया है। जब भी हम वाक्य बनाएंगे तो पहले कर्ता को लेते हैं, तब क्रिया को लिखते हैं। यह नियम में बांधता है कि राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अगर हम यही राम में 3 शब्द है, पहला दूसरा तीसरा, अगर हम इसी शब्द को अगर कहते हैं है राम पढ़ता, क्या यह वाक्य सही है? नहीं, क्योंकि यह वाक्य सही नहीं है। पहले होना चाहिए कर्ता, जो पहले कर्ता जो है राम है, तो राम को पहले लिखेंगे, राम पढ़ता, तब लिखेंगे क्रिया, पढ़ता क्रिया हुआ, है जो है सहायक क्रिया, तब उसको लिखेंगे।
ये हमारा वाक्य सही होगा, लेकिन ये जो है नहीं होगा, क्योंकि नियम से विरुद्ध है। नियम में नहीं है, यह नियम में है। नियम कहता है पहले कर्ता हो, सबसे छोटी छोटे छोटे छोटा से छोटा वाक्य जब बनाएंगे उसमें पहले कर्ता होगा, दूसरा क्रिया होगा। तो वही जो है इस रामपदा में, राम पहले जो है कर्ता हुआ, उसके बाद क्रिया, ये वाक्य हमारा सही हुआ। ये हमारे व्याकरण जो है नियम में शब्द को बांधकर उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। यही है। अब चलिए व्याकरण की, अब क्षेत्र व्याकरण के क्षेत्र तो बहुत, व्याकरण के मुख्य तीन भाग है। व्याकरण पढ़ते हैं चाहे कोई भी हम भाषा पढ़ते हैं, उनमें तीन ही बात आते हैं। पहला पहला आता है व्याकरण मुख्य भाग, पहला जो है वर्ण, दूसरा है पद पद्य तथा तीसरा है वाक्य। वर्ण पद तथा वाक्य व्याकरण में यह मुख्य मुख्य भाग है इनके। वर्ण पद तथा वाक्य यह व्याकरण के मुख्य भाग है। इसमें अगर हम वर्ण जानते हैं तब पद को जानना आसान होता है, अगर हम पद जानते हैं तभी वाक्य बना पाते हैं। अगर हम वर्ण नहीं जानेंगे तो पद को नहीं जान सकते हैं, अगर पद नहीं जानेंगे तो वाक्य नहीं बना सकते हैं। जैसे जैसे राम आम खाता, इसमें राम है, राम है, आम है, खाता है। राम कर्ता होगा, आम जो कर्म होगा, खाता जो है क्रिया है जो है सा हाय क्रिया है, सहायक क्रिया क्रिया है। ये हिंदी में राम आम खाता है इसका, और संस्कृत में इसका अनुवाद होता है राम आम्र आम्रम खादति। संस्कृत में यही यही जो शब्द है राम, जो शब्द है राम शब्द है श्याम, राम आम खाता है, ये चार जो शब्द है, चार जो शब्द है संस्कृत में शब्द शब्द नहीं होते हैं, संस्कृत में पद होते हैं। पद जब भी होते हैं या तो सुबंध होते हैं नहीं तो तिगंध ही होते हैं। यहाँ राम आम खाता है इसमें तीन पद हैं, एक दो और तीन, यहाँ तीन पद हुए। यहाँ लेकिन चार, यहाँ चार शब्द हो गए हिंदी में। हिंदी में शब्द शब्द में और पद में यही अंतर है कि उसमें जब भी होंगे पद में
शुभ विभक्ति या तिंग विभक्ति उसमें लगा रहता है, इसीलिए वो वाक्य को उसमें बोलते हैं शुभ शुभ तिगंतम पदम, शुभ और तिगंत को पद कहते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं वर्ण। वर्ण में देखते हैं, वर्ण में राम राम रामा रामा में पहले देखते हैं वर्ण के में वर्ण कितने हैं। वर्ण राम में रामा में वर्ण हम देखते हैं रह लंत जोर आह लंत जोर मह लंत जोर आह लंत आ जोर। हाँ, इसमें कुल पांच वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? पांच। पांच वर्ण से ही ये राम शब्द बना। और राम आम्रम खादती, खादती में कुल वर्णों की संख्या हो जाएंगे। देखते हैं राम में तो पांच हो गए, आम्रम में देखते हैं आ जोर म जोर र जोर अ जोर अनुस्वार। इसमें हो जा रहे हैं, इसमें भी पांच है। खादती में देखते हैं, खादती में ख हलंत जोर आ हलंत जोर द हलंत जोर अ हलंत अ जोर त हलंत जोर हर्स्वई का हर्स्वई दो दो चार दो छ, इसमें छ कुल मिलाकर पांच पांच दस छ 16 वर्ण से इस वाक्य का निर्माण हुआ। ठीक, वर्ण से शब्द बना, वर्ण से रामा शब्द बना और आमरम अखादति, रामा आमरम खादति, तीन पद्य से एक वाक्य का निर्माण हुआ। तीन पद्य से एक वाक्य का निर्माण हुआ। इसलिए जो भी हम पढ़ते हैं भाषा में, कोई भी भाषा हम देखते हैं, हिंदी हो संस्कृत हो या जो भी हो, उसमें वर्ण और पद और वाक्य के अलावा कुछ नहीं रहता है। इसलिए पहले हमको वर्ण की जानकारी अति आवश्यक है। इसलिए हम पहले वर्ण पर चर्चा करते हैं कि वर्ण है क्या। वर्ण है क्या? पहले वर्ण किसे कहते हैं इसको पहले जाने। वर्ण वर्ण उस सार्थक ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे क म च इत्यादि इत्यादि वर्ण होते हैं। संस्कृत में वर्णों की कुल संख्या 63 या 64 होते हैं, 63 या 64 होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से हम लोग कुल वर्णों की संख्या एकावन को ही चर्चा करेंगे।
कुल वर 63 या 64 है। मुख्य रूप से इक्यावन वर्णों की हम चर्चा करेंगे। चलिए, पहले वर्ण वर्ण कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में, इसको पहले जानते हैं। वर्ण मुख्य रूप से तीन होते हैं। वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, तथा तीसरा अयोग वा वर्ण। सुवर्ण वर्ण की कुल संख्या 15 शिक्षा में 21 कहा गया है। मुख्य रूप से13 वर्ण है। व्यंजन वर्ण पाणिनि शिक्षा में 37, कुल 37 कहा गया, लेकिन मुख्य रूप से 33 है। तथा योगवा वर्ण भी कुल 5 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से व्यवहार में तीन ही होते हैं। तीन ही होते हैं। चलिए, व्यवहार वाला को ही हम लोग पहले ले लेते हैं। कुल वर्ण संख्या कितने हो जाएंगे व्यवहार में? व्यवहार में कुल वर्ण 13, और मुख्य रूप से व्यंजन तैतीस, तथा योग वा तीन।
टू तेरह तैतीस छियालीस छियालीस सती उनचास उनचास हुआ। पचास वर्ड हो रहा है। हम इसी वर्ड के माध्यम से हम इस व्याकरण को समझेंगे कि इसमें अब कौन कौन से वर्ण हैं नहीं हैं। चलिए पहले हम स्वर वर्ण की चर्चा करते हैं। स्वर्ण 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 क्या है? तो स्वर्ण की चर्चा करने से पहले स्वर्ण की पहले परिभाषा जान लें। स्वर्ण क्या है? स्वर्ण उस सार्थक ध्वनियों कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ ई उ इत्यादि। इस सभी वर्ण में वर्ण किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। अब चलिए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये पहले जानते हैं। स्वर वर्ण संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। पहला पहला ह्रस्व ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तथा तीसरा प्लुत स्वर। अब चलिए ह्रस्व स्वर अब आता है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अप्लुत स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर में ह्रस्व स्वर के उच्चारण में एक मात्रा के समय लगते हैं। कितने मात्रा के समय लगते हैं? एक मात्रा के समय लगते हैं। जैसे अ इ इत्यादि। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर के उच्चारण में दो मात्रा के समय लगते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई दीर्घ उ इत्यादि। दो मात्रा है इसमें। दीर्घ स्वर में दो मात्रा होते हैं। अब है प्लुत प्लुत स्वर प्लुत प्लुत स्वर उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में कितने मात्रा समय लगते हैं? तीन मात्रा के समय लगते हैं। इसका प्रयोग जैसे हे राम हे कृष्ण इत्यादि में करते हैं। इनका प्रयोग संबोधन आदि में करते हैं। अब चलिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कितने होते हैं इसको हम लोग जानते हैं। ह्रस्व स्वर संस्कृत में पांच होते हैं। कितने होते हैं? पांच होते हैं। ह्रस्व स्वर पांच होते हैं। पहला ह्रस्व ई ह्रस्व उ ह्रस्व तथा ह्रस्व लृ। दीर्घ स्वर
दीर स्वर कुल, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला आ, दूसरा दीर्घ, तीसरा दीर्घ उ, चौथा दीर्घ लिरी। लिरी का कोई दीर्घ नहीं होता है, नहीं कुछ होते, दीर्घ नहीं होता है। ए, ऐ, ओ, तथा ओ, तथा ओ। ये 8 है। पलुत का प्रयोग संबोधन में करते हैं, संबोधन। संबोधन आदि में करते हैं, जैसे यथा हे राम, हे कृष्ण, आदि। ये आपके हो गए स्वर्ण के परिचय कि स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। स्वर्ण 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ तथा तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा के समय लगते हैं, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा के समय लगते हैं, और प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा के समय लगते हैं। स्वर ह्रस्व स्वर की संख्या संस्कृत में 5 है, दीर्घ का 8 है, तथा संबोधन का प्रयोग संबोधन आदि में करते हैं। चलिए अब देखिए, अब सवाल उठता है मात्रा क्या होता है। मात्रा क्या होता है? 1 मात्रा का समय जो है लगता है ह्रस्व में, तो क्या होता है जो हमको चुटकी बजाने में 1 समय का लगता है, चुटकी बजाने में जो एक चुटकी बजाने में जो समय लगता है, उसे समय लगता हुआ 1 मात्रा का लगता है। 2 बार जो चुटकी बजाने में जो समय लगता है वह 2 मात्रा होता है, और 3 मात्रा जो है, 3 बार जो चुटकी बजाने में जो समय लगता है वह प्लुत में जो प्रयोग होते हैं उसको बोलते हैं। चलिए अब व्यंजन वर्ण की बात आते हैं। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण मुख्य रूप से 33 है। अब चलिए, अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं इसको पहले जान लें। व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग इत्यादि। इसमें संस्कृत में ध्यान रखने की बात है, कभी जब भी लिखेंगे व्यंजन वर्ण उसमें क हलन, म हलन, त हलन तथा य हलन आदि लिखते हैं। हिंदी में क लिख देते हैं, ये संस्कृत में क नहीं होंगे, इसमें 2 वर्ण रहते हैं, क हलंत जोर अ। इसलिए जब भी हम संस्कृत में बोलेंगे व्यंजन वर्ण तो उसमें क हलंत, म हलंत इत्यादि करके ही बोलेंगे। अब चलिए, व्यंजन वर्ण के अब प्रकार, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में विभक्त है इसको जानते हैं पहले। यह अभी 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में है? 3 भागों में विभक्त है। पहला पहला
स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन तथा तीसरा तीसरा उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन या उष्मा व्यंजन भी उसको बोलते हैं। अब चलिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन कुल 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब उष्म व्यंजन कितने होते हैं या उष्मा, यह भी 4 होते हैं। कितने होते हैं? यह भी 4 होते हैं। चलिए पहले हम स्पर्श व्यंजन के जाने कौन कौन से स्पर्श व्यंजन होते हैं। कवर्ग से लेकर पवर्ग तक, कवर्ग से पवर्ग, कवर से पवर तक को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मा से मैं, यहाँ से लेकर तलावे सक, यहाँ से लेकर व तक के वर्ण को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उष्ण व्यंजन कहते हैं या उष्मा व्यंजन तलावे स से लेकर ह तक को व्यंजन को बोलते हैं उष्ण व्यंजन। अब चलिए अब सवाल उठता कवर्ग और पवर्ग है क्या, कवर किसको कहते हैं, पवर क्या है, कवर से लेकर पवर तक में कौन कौन से वर्ण आते हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं। कवर्ग में, कवर्ग हो गया, कवर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं। पहला कहलंत, खलंत, गहलंत, घलंत और अंगालंत। चवर्ग, चवर्ग में चहलंत, छहलंत, जहलंत, झहलंत और यहलंत। टवर्ग में टहलंत, ठहलंत, डहलंत, ढहलंत, नहलंत, नहलंत। अब टवर्ग में टहलंत, ठहलंत, दहलंत, ढहलंत और नाहलन। ये और पवर्ग में पहलन, फालन, बालन, भालन और महलन। ये हुए, ये जो 25 है स्पर्श व्यंजन, कवर, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इसका दूसरा नाम कवर का कु है, चवर का चू है, टवर का दूसरा नाम टू है, तवर का दूसरा नाम तू है और पवर का दूसरा नाम पू भी है। इस स्पर्श व्यंजन को वर्गीय अक्षर भी कहते हैं। वर्गीय अक्षर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्गीय अक्षर भी बोलते हैं। कवर्ग से लेकर पवर तक को वर्ण को वर्गीय अक्षर बोलते हैं, क्योंकि वह वर्ग में ही रहते हैं। 5 का वर्ग है इसमें। कवर्ग में 5 वर्ण है, चवर्ग में भी 5 वर्ण है, टवर्ग में भी 5 वर्ण है, तवर्ग में भी 5 वर्ण है और पवर्ग में 5, इसलिए इसको वर्गीय अक्षर भी बोलते हैं। अब आइए अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण है। क, य से लेकर व तक, यानी कि
या हलांत रा हलांत ला हलांत तथा वा हलांत, ये जो होगा अंतस्थ व्यंजन हो गए, ये चार। अब आइए उस व्यंजन, उस व्यंजन है तलावे स से लेकर हाथ, यानी कि तलावे स मूर्धन्य स दंत स तथा ह, ये हो गए आपके उसमें उसमा व्यंजन, ये चार वर्ण। कुल कितने वर्ण हो गए? कुल वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण, कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए? स्पर्श 25, ओ अंतस्थ, अंतस्थ 4 तथा उसमें, तथा उसमें आप उष्मा 4 बराबर कितने हो गए? तैतीस हुआ। ये आपके हो गए व्यंजन वर्ण। अब आइए अब हम आइए वाह वर्ण को जानते हैं। आइए वाह वर्ण, ये कुल होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। चलिए कौन कौन से हैं देखते हैं। पहले 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 अयोगा वर्ण किसे कहते हैं जान लीजिए। अयोगा वर्ण का प्रयोग जब भी होता है स्वर ध्वनि पर होता है या स्वर ध्वनि के बाद ही होता है। जैसे जैसे राम, राम विद्यालयम, गच्छते, देखिए यहां रामा विद्यालय गच्छति विसर्ग जो है यह युवा वर्ण, स्वर्ण वर्ण के बाद ही इसका प्रयोग हुआ है। राम, राम में अंतिम अक्षर अ है, इसके बाद ही इस अयोगा वर्ण का प्रयोग हुआ। विद्यालय में भी अंतिम अक्षर क्या है? अ है, इसका ही प्रयोग उसके ऊपर हुआ है, इसलिए अयोगा वर्ण जब भी प्रयोग होगा वह स्वर्ण वर्ण के स्वर्ण वर्ण पर ही होगा अथवा स्वर्ण वर्ण के बाद ही होंगे। चलिए स्वर्ण वर्ण पहले देख लेते हैं कौन कौन है। स्वर्ण वर्ण पहला अयोगा वर्ण, अनुनासिक पहला जो होता है, अनुनासिक होता है। अनुनासिक जो हम लोग बचपन से चंद्रबिंदु जानते हैं यही होते हैं अनुनासिक। उसके बाद दूसरा है अनुस्वार, क्या है? अनुस्वार, अनुस्वार में
अनुस्वार ऐसा होता है। विश और उसके बाद विसर्ग, विसर्ग जो होता है ऐसा होता है, दो अनुस्वार जो होता है नीचे वर्ण के बाद लगते हैं, स्वर्ण के बाद जो लगते हैं वही। तीसरा हो गया, चौथा है जिह्वामूलिये, जे हवा मू मूलिया, जिह्वा मूलिया अर्ध विसर्ग क हलंत, और जिह्वा मूल अर्ध विसर्ग को बोलते हैं। पांचवा है उपधमानिया, उपमा उपधमानिया में वर्ण आते हैं अर्ध विसर्ग प हलंत और हलंत अर्ध विसर्ग फ, ये आते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ये पांचों वर्ण जो है युवा वर्ण, उसमें अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, ये जो तीन हैं लोक में व्यवहार होते हैं, लोक में व्यवहार लोक में व्यवहार किए जाते हैं। जो है व्यंग में प्रयोग किए जाते हैं, ये दोनों है जो वेद में प्रयोग होते हैं। चलिए संस्कृत में सबसे ज्यादा उपयोग अनुस्वार तथा विसर्ग का होता है, अनुस्वार और विसर्ग का सबसे ज्यादा होता है। अनुस्वार का रूप होता जो है, अनुस्वार को हो हम पढ़ते हैं महलन, और विसर्ग को बोलते हैं, इसका उच्चारण जो है विसर्ग का जो उच्चारण होता है हलन। इसलिए ही हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो ये दो आ जाते हैं संस्कृत में पढ़ने के लिए, तो कहाँ इसको अनुस्वार पढ़े कहाँ इसको विसर्ग पढ़े, इसमें समस्या ज्यादा होती है। इसलिए इसको जब भी देखिए अनुस्वार, जैसे उष्णम, जलम, अस्थि, पानी गर्म है, यानी कि उष्णम, ये जो म है इसको क्या पढ़ेंगे महलन, इसलिए इसको पढ़ेंगे उष्णम जलम अस्थि। अब देखिए विसर्ग का श्यामा पठती, क्या पढ़ेंगे श्याम पढ़ता है, इसका संस्कृत में क्या पढ़ेंगे रामस पठ श्यामा पठती, श्याम जो है पढ़ता है, क्या पढ़ेंगे विसर्ग क्या पढ़ेंगे श्यामा पठती। ये इसका प्रयोग अधिकांश होते हैं। यह आपका जो है वर्ण परिचय मुख्य रूप से
अब अयोवा वन के बाद चलिए आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मुख्य रूप से चार होते हैं जो हिंदी में होते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका कोई गणना नहीं है, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। संयुक्ताक्षर जो होते हैं मुख्य रूप से चार होते हैं, इसको जान लीजिए। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, बहुत समस्या होते हैं जब वर्ण अलग करना होता है, संधि करना होता है उसमें, तो चलिए इसको भी जान लीजिए। छ, तर, ज्ञ और स्र, यह जो है संयुक्त है, दो या तीन वर्णों के मेल से इसका निर्माण हुआ है। ठीक, इस सभी में तीन तीन वर्ण हैं, कितने हैं, तीन तीन वर्ण हैं, तीन तीन वर्ण सभी में है। छ में देखते तीन तीन वर्ण है, अगर हलन चिन्ह लगा देंगे इस समय दो दो वर्ण हो जाएंगे, हलन चिन्ह लगा देंगे तो दो वर्ण हो जाएंगे। चलिए हलन चिन्ह इस पर हम देखते हैं, ये दो वर्णों के मेल से बने हुए। चलिए छ में कितने वर्ण हैं, छ में कौन कौन से वर्ण, दो वर्ण हैं, पहला हो गया इसमें है क हलन जो मूर्धन्य स से इसका निर्माण होता है छ का। त्र में हलन जोर रहा, इसमें भी दो वर्ण हैं, तब होते हैं त्र। ज्ञ में भी दो है, जहलंत जोर ज्ञानंत। अश्रम में भी दो वर्ण हैं, सालंत जो रहन, तब होता है सरा का निर्माण। चलिए जैसे अब इसको याद रखने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं जो आप बचपन से जानते हैं। छ को इंग्लिश में क्या, इंग्लिश क्या होता है, के एस एच से छ बोलते हैं। त्र टी आर से त्र होते हैं, ज्ञ का जे एन से ज्ञ बोलते हैं, अस्र का के एस स्र का एस एच आर बोलते हैं स्र, जो आप लोग बचपन से इसको जान रहे हैं। तो देखिए यहाँ छ में छ का इंग्लिश जो होता है के एस एच, यानी के से क्या हो गया क, के से क्या हो गया क हलंत, और एस एच से क्या होता है मूर्धन्य स, यही ना है, क और स से मिलकर क्या बन गए छ। अब तरह देखिए, तरह में देखिए टी से क्या होता है, टी से क्या होता है त होते हैं, और र से क्या होता है, आर से क्या होता है र, इसी के मेल से बनते हैं त्र। अब ज्ञा देखिए, ज से क्या होता है ज, और
एन से क्या होता है? वाई एन से यहाँ होता है, लेकिन इसमें वाई जो है साइलेंट है। क्या है? वाई जो है साइलेंट है, यही ना है ज्ञा में। अब जी शर्म में आइए, एस एस से क्या होता है? तलावे स होता है। क्या होता है? तलावे स। और से क्या होता है? आर से क्या होता है? र होता है, यही ना है सर। ये हो गए संयुक्ताक्षर, समझे? चलिए संयुक्ताक्षर में कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है संयुक्ताक्षर में छ में कितने वर्ण है? दो। तर में कितने हैं? दो। ज्ञ में कितने हैं? दो। और सर में कितने हैं? दो। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो छ में क हलंत जोड़ स हलंत, और तर में त हलंत जोड़ र हलंत, तब हो जाते हैं तर। ज्ञ में ज हलंत जोड़ ज्ञ हलंत, ये होते हैं ज्ञ। और सर में स हलंत जोड़ र बराबर सर होते हैं, ये हो गए। लेकिन अगर छ लिखे हलन चिन्ह नहीं देते हैं, इसमें वर्ण कितने होते हैं? तीन। कितने होते हैं? तीन हो जाते हैं। इसमें हलन चिन्ह नहीं लगा तो इसमें अ जो उड़ जाते हैं, इसलिए इसको जब भी लिखेंगे तो छ हलंत जोड़ क हलंत जोड़ मूर्धन्य स हलंत जोड़ अ। वैसा ही हम तरह में अगर लिखते हैं, हिंदी में जो तरह लिखते हैं, अगर संस्कृत में अगर अलग करना हो तो इसमें कितने वर्ण हो जाते हैं? तीन हो जाते हैं। कौन कौन? त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ये हो जाएंगे सब। उसे ही ज्ञ में और सर में भी होंगे, तीन तीन वर्ण हो जाएंगे अगर हलन चिन्ह नहीं रखेंगे तब। इसलिए जब भी लिखेंगे संस्कृत में व्यंजन वर्ण, शुद्ध व्यंजन वर्ण, तो उसमें हलन चिन्ह लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर क लिख के छोड़ देंगे तो इसमें दो वर्ण हो जाते हैं, क हलंत जोड़ अ, तो ये शुद्ध व्यंजन वर्ण नहीं कहलाएंगे। लेकिन क हलंत लिख देंगे तो ये शुद्ध व्यंजन वर्ण हो जाएंगे, समझे? चलिए अब इसको आप हटाते हैं। अब आते हैं घोष वर्ण और अघोष वर्ण के बारे में। हम लोग ही जान लें कि घोष वर्ण होता क्या है। व्याकरण पढ़ते हैं तो इसमें घोष वर्ण आते हैं और अघोष वर्ण आते हैं, इसका भी जानकारी संक्षिप्त में हम लोग ले लेते हैं, सब बढ़िया रहेगा। चलिए घोष वर्ण, घोष वर्ण को देखते हैं। घोष तथा अघोष, ठीक, घोष तथा अघोष वर्ण हमारे समक्ष आते हैं। कोई पूछते हैं घोष वर्ण किसको बोलते हैं, घोष वर्ण में कितने वर्ण होते हैं? तो पहले चलिए पहले घोष वर्ण पर चर्चा करते हैं। घोष वर्ण, घोष वर्णों की संख्या कितने हैं? 20 है। कितने हैं? टोटल 20 है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन आते हैं वर्ण। घोष वर्ण किसको बोलते हैं से पहले जान लीजिए। वर्गीय वर्गीय वर्ण के तृतीय चतुर्थ तथा पंच पंचम और या र ल व तथा ह, ये जो है क्या हो जाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कहलाते हैं।
ये घोष वर्ण कहलाते हैं। तब चलिए वर्गीय के तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंच वर्ण और ञ र ल, यानी कि वर्गीय मतलब क्या होगा जो हम पहले पढ़े हैं, वर्गीय अक्षर। वर्गीय अक्षर जैसे कवर, चवर, टवर, पवर, तवर, पवर्ग जो है वर्गीय अक्षर में आते हैं। वर्गीय अक्षर मतलब हो गए वर्ग के में जो अक्षर जो आते हैं, तृतीय अक्षर जो आते हैं वो चतुर्थ वर्ण आते हैं, वो पंच वर्ण आते हैं वो, और यहाँ अब आप देखिए तृतीय वर्ण वर्ग के कौन से होंगे। चलिए पहले कवर्ग के देख लेते हैं, कवर्ग में देखते हैं हलंत, ख हलंत, गलंत, घलंत और ज्ञानंत। इसमें देखते हैं भाई तृतीय वर्ण कौन है, चतुर्थ वर्ण कौन है, पंच वर्ण कौन है, इसी को देखकर हम सभी में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क को बोलते हैं प्रथम वर्ण, वर्गीय के प्रथम वर्ण। दूसरा ख को बोलते हैं द्वितीय वर्ण, ग को बोलते हैं तृतीय वर्ण, घ को बोलते हैं चतुर्थ वर्ण और ज्ञ को बोलते हैं जो अंग को बोलते हैं पंचम वर्ण। चलिए ये जो होगा इसमें कहा जा रहा है घोष वर्ण में तृतीय, चतुर्थ और पंचम। इसमें देखिए तृतीय कौन है, चतुर्थ कौन है, पंचम वर्ण कौन है। देखिए तृतीय वर्ण क्या है, ग है। चतुर्थ वर्ण कौन है, घ है। पंच वर्ण कौन है, अंग है। तो तृतीय वर्ण ग हो गए, चतुर्थ वर्ण घ हो गए और पंचम वर्ण अंग हो गए। ये हो गए कवर्ग के, उसे ही पवर के तवर्ग में, चवर्ग में देखिए, चवर्ग में भी देखिएगा आएंगे ज हलंत, झ हलंत, य हलंत, उसे ही टवर्ग में देखेंगे कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, ट हलंत, ड हलंत, ढ हलंत, न तवर के बाद, तवर के बाद तवर, तवर में भी देखेंगे तो क्या आ जाएंगे, द हलंत, ध हलंत, महलंत, न हलंत। चलिए पवर में भी देखेंगे उसे ही देखेंगे, पवर में भी तो पवर में भी देखेंगे तो ब हलंत, भलंत, महलंत। ये जो हो गए तीन तीन छः, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, ये जो तीन तीन वर्ण जो हुए हैं, तीन तीन वर्ण जो हो गए पंद्रह, ये जो हो गए ये वर्गीय अक्षर में से 15 अक्षर आ गए। और यहाँ कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, ये कितने हो गए, ये पांच वर्ण, कितने पांच वर्ण, ये जो है पांच है, जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 20 वर्ण। घोष वर्ण में कुल वर्णों की संख्या कितना हो गया, 20 वर्ण, यही आपके हो गए घोष वर्ण। अब चलिए अघोष वर्ण में देखते हैं कितने वर्ण आते हैं, कितने हैं, किसको बोलते हैं, देखते हैं। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए इसके वर्गीय के
प्रथम वर्गीय के प्रथम द्वितीय वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा त्लावेश मूर्धांस दंस और को दंस को अघोष वर्ण अघोष कहते हैं। चलिए ये हो गए वर्गीय के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा तलवेशा मूर्धांसा दंसा को घोष वर्ण कहते हैं। अब चलिए अब प्रथम वर्ण आपको बताया गया है वर्ग वर्ग के एक वर्ग में कौन से प्रथम वर्ण है वर्ग में कौन प्रथम वर्ण हो जाएंगे क ल द्वितीय कौन हो जाएंगे ख ल उसे ही देखते हैं च वर्ग में च वर्ग में भी देखते हैं तो च ल और छ ल वर्ग में भी देखते हैं ट हलन और ठ हलन और पौर्ग में तवर्ग में भी देखते हैं तत्ता हलन और थ हलन और पौर्ग में पहलांत और थलांत ये कितने हो गए दो ये भी दो चवर्ग में भी दो टवर्ग में भी दो और पवर्ग में भी दो टवर्ग में भी दो और पवर्ग में भी दो सबको जोड़ने पर कितने आ जाएंगे दो जोड़ बराबर कितने हो जाएंगे दो दो चार दो छ दो आठ दो दस कितने हो गए ये 10। इसमें कितने हैं तलावे सा दम सा कितने हैं ये 3 कितने हैं एक सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे कुल 3 या 3 यहाँ जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे कुल अघोष वर्ण कितने हो गए कुल अघोष वर्ण कितने हो गए 13 हो गए तो अघोष वर्णों की संख्या कितने हो गए कुल 13। चलिए यहाँ 13 लिख देते हैं समझ गए घोष और घोष में अंतर। चलिए इसको अब यही आज वर्ण परिचय को समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर हम चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान और माहेश्वर सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। चलिए आप लोग भी इसको देख लीजिएगा अध्ययन कर लीजिएगा।